अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक अली, आप देख रहे हो जी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जो कि सन 1657 में एक अजीम किरदार था, जिसका सिंध की तारीखी और शख्सियती हिसाब से ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप दरगाह देख रहे हो, ये मियाँ शालमंद कलोड़ू की दरगाह है। इसका सिंध की आज़ादी के हवाले से तमाम बड़ा किरदार रहा है। ये अपने लोगों के हक में लड़ते लड़ते शहीद के आगे घुटने नहीं टेके। बताती है कि मियाँ शालमंद कलोड़ो हमेशा अपने लोगों के बारे हक में लड़ते लड़ा, और मुग़ल दौर में जो मुग़लों का दौर था वो एक ज़ालिम दौर था, जिसकी तारीख आप पढ़ेंगे उसमें बहुत ही किरदार है। उस तारीख मुग़ल दौर में मियाँ शालमंद कलोड़ो ने भी एक अजीम यानी कि जंगजू का किरदार अदा किया। अपने लोगों को उसने भी अपने हक के लिए लड़ने के लिए सिखाया, अपने मुरीदों को इकट्ठा की। सिंध के हक के हवाले से जो बातें बताई जाती हैं, मियाँ शालमंद कलोड़ो ने मुग़ल दौर में एक लड़ाई की जिसकी वजह से वो खुद और उसका बेटा शहीद हो गए। उसके बाद ये जो दरगाह देख रहे हैं आप मेरे बैकग्राउंड में, ये तामीर की गई, इसके जो मुरीद खादमीन अब तक मौजूद हैं। और एक मियाँ शालमंद कलोड़ो एक रूहानी शख्सियत भी हैं, जिसके हज़ारों लाखों मुरीद भी हैं। यहाँ पे आते हैं, हाज़री देते हैं अपने रूहानी मकासद हासिल करने के लिए। लोग यहाँ पे आते हैं दो दिन तीन दिन यानी कि रह के यहाँ पे अपना दिली सुकून हासिल करके चले जाते हैं। के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे घाड़वा एक निकलता है जो हज़ारों एकड़ ज़मीन को आबाद करता है। वो अपने दौर में उसने यानी कि घाड़वा को तामीर करवाया था, जिसकी वजह से एकड़ ज़मीनें आबाद होती हैं। उसने जो यहाँ पे जो दोनों यानी घाड़वा के दोनों तरफ जो भी ज़मीन है वो मियाँ शालमंद कलोड़ो की थी। उसने अपने मुरीद खादमीन को और जो भी यहाँ के रहने वाले उनको दान में दे दी थी, ताकि वो अपना माशी जो उनका जो सिस्टम है वो एक अच्छे नमूने से चल सके। उनसे कोई भी उसने यानी कि पैसा वैसा नहीं लिया, मुफ्त में सबको अपनी ज़मीनें जो भी अपनी सारी ज़मीनें थी वो सबको उसने दे दी। तो ये था मियाँ शालमंद कलोड़ो का किरदार। और भी चलो उनसे इनका जो फकीर है साईं जो मुकबरो करें तामीर नाज़रीन, फ़कीर जो मैं बता रहा है जो हमें बता रहा है 1976 में मियाँ रिंद बलोच ने इसकी मज़ार की तामीर करवाई थी और इसको नए तरीके से बिल्डिंग को मकबरे को तामीर करवा के एक जदीद आने के उसमें दिया। तो इनकी बीहर करे सही आने के तामीर आपकी रिपेयरिंग वगैरह फंडिंग वगैरह नहीं आई आप कुछ भी ना। फ़कीर कह रहा है कि इसकी दोबारा यानी कि रिपेयर का कोई भी प्रोग्राम है वो नहीं हुआ अभी तक। इसकी वजह से इस मकबरे का अभी ज़बून हाली आपको नज़र आ रही है, हम दिखा रहे हैं आपको। कैमरा मैन को कहेंगे थोड़ा सा उधर मकबरे की साइड करें, वो देखें आप थोड़ा, ये ज़बून हाली में आ गया है। इसकी अशद ज़रूरत है इसकी रिपेयरिंग की, ताकि इस अजीम शख्सियत को, अजीम शख्सियत के मकबरे को आलीशान नमूने से हम तामीर करवाएं, जैसे सारी दुनिया को पता चले एक अजीम शख्सियत का मकबरा कैसा होना चाहिए। मियाँ शालमंद हो ये जगह है शाह हसन। अच्छा नाज़रीन, ये जो आप कब्र देख रहे हो ये मियाँ शालमंद कलोड़ की है, और ये इसका फर्जंद शाह हसन, ये उसकी कब्र है, दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, ये साईं यानी कि शहीद थे पाण साईं, ये फर्जंद बण था। अच्छा, ये जो मियाँ शालमंद कलोड़ो ये जंग में शहीद हो गया था, और जो इसका बेटा है ये शाह हसन, ये भी उसी के साथ ये जंग में शहीद हो गया था। ये नौजवान था उसी टाइम में, तो इसकी ये यहाँ पर मज़ार बनाई गई है, हम सारी तारीख आपको बताएँगे। नाज़रीन, आज हम मियाँ शालमंद कलोड़ो दरगाह का जो गादी नशीन है उससे गुफ्तगू करेंगे, और मियाँ शालमंद के बारे में उससे कुछ तफसीलात मालूम करेंगे। चलो तो भाई से मिलते हैं, उसका भाई कहाँ जो नालो थोड़ी देर गलाई यानी कि तव्हां केतिरे अरसे खां वेठे तव्हां आहियो गादी नशीन में, अॻु में केरु हुयो तव्हां थोरो ॿुधायो। असांजो
नारे ना रोशन आदि सही कह रहा है कि फकीर रोशन अली का जो दादा था पहले वो गादी नशीन था, उसके बाद भाई का वाद साहब था गादी नशीन, उसके बाद अब भाई खुद है गादी नशीन। इसके फराज जो सर अंजाम दे रहा है तो सही न जो जो मुकमरो ठयो या चारमन जो केड़े सन में ठयो वो याद है। भाई का जो मुरीद था अब्दुल्ला बलोच वो हुकूमत के दौर में था, उसकी हुक्मरानी थी, तो उस दौर में भाई कह रहा है कि ये मुकबरा तामीर करवाया गया। इसकी तारीखी तमाम भिटाई के दौर से ये जो है ना रवायत चलती आ रही है। यहाँ पे दरगाह पे मेला वगैरह भी लगता है, लाखों लोग इधर आते हैं अपने दिल की मन्नतें पूरी करने के लिए और दरगाह पे ज़ियारत करने के लिए, दुआ मांगने के लिए। तो भाई यो ही होता ॿुधायो जो त कई जेका हिते घाड़वा चवंदा आहिनि निकितो आहे घाड़वा, त इहो कीअं करायो ऐं कहिड़े वक़्त में तक़रीबन मियाँ शालमंग कलोड़ो जो था वो उसका ज़रात से बहुत लगाव था, वो शौक था उसका, वो ज़रात का मायर भी था, अपने लोगों को सर सब्ज आने के इलाकों में देखना चाहता था, खुशहाल देखना चाहता था, इसीलिए उसने यहाँ पे घाड़वा जो हम राजकिनाल से निकल सिंधु दरिया से राजकिनाल निकलता है, राजकिनाल से फिर घाड़वा लिखवा एक जो है ना नदी निकलती है यहाँ से, जो दोनों तरफ से जो इसकी ज़मीनें लाखों एकड़ ज़मीनें हैं उनको वो आबाद होती है इससे पानी से। तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत खुशहाल हैं, सब सब्ज इलाके हैं यहाँ के, यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह भी होती है, धान होती है, गंदम का फसल होता है, तरबूज का फसल होता है, सब्ज़ियाँ वगैरह होती है, मतलब कि यहाँ के जो इलाके वाले हैं ना बिल्कुल अब खुशहाल हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत एक अच्छी है। वो सिर्फ़ मियाँ शालमंग कलोड़ की वजह से, क्योंकि उसने यहाँ पे घाड़वा निकाला, इसीलिए दोनों तरफ यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो सारी अभी तक आबाद है, सब सब्ज़ है। साईं तव्हांजी ॿियो आहे न कि तव्हां इहो ॿुधाइजो त मियाँ शालमंग कलोड़ो हिन महिल जेको तव्हांजो मेलो वग़ैरह थींदो आहे हुकूमत तव्हां सां तामुन कंदी आहे या तव्हां पंहिंजे हिसे मां अची कंदा आहियो? असां पंहिंजे मेले वेले जो ख़र्चु न असां पाण कंदा आहियूं नाज़रीन ताईं कह रहा है कि यहाँ पे जो मेला लग हर साल मेला लगता है वहाँ पे सूफ़ी कलाम जो सूफ़ी बुजुर्ग हस्ती के हवाले से जो सारी हिंद में हमारे यहाँ रवायत है, तो मेले पे सूफ़ी कलाम वगैरह का प्रोग्राम होता है, 3 दिन आने के प्रोग्राम चलता है, सारी सिंध क्या सारे मुल्क से इंडिया से भी आने के सूफ़ी फनकार यहाँ पे आते हैं, अपने फन का मुजाहरा करते हैं, वो 3 दिन तक ये मेला चलता है। और जो भाई ने बताया कि हुकूमत हमारे साथ कोई भी ताउन नहीं करती, ये बड़ी दरगाह है और ये मियाँ शालमंग कलोड़ो सिंध की बड़ी हस्ती है, जिसका सिंध की आज़ादी के हवाले से 1657 जो ईसवी सन है उसमें ये शहीद हो गया था। उससे पहले मुग़ल का जो दौर था उनमें सिंध की आज़ादी के हवाले से मियाँ शालमंग कलोड़ो का बड़ा किरदार था, एक बड़ी शख्सियत थी। इसके बारे में इनको प्रोग्राम होना चाहिए, बड़े बड़े प्रोग्राम होने चाहिए जैसे ऐसी बड़ी शख्सियत का जैसे निखार सकें और इसकी जो आम मालूमात है आम आदमी तक हम पहुंचा सकें। तो हुकूमत को चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत जो मियाँ शालमंग कलोड़ो है तो इसके बारे में कोई प्रोग्राम कराए, सेमिनार कराए इसकी शख्सियत के बारे में, और यहाँ पे मेला जो लगता है इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारे सिंध का सकाफत खाता है जो उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन आज हम जो मियाँ शालमंग कलोड़ो का गादी नशीन है इससे तफसीली मालूमात आपको हमने पहुँचाई, तो मियाँ शालमंग कलोड़ो की शख्सियत क्या थी उसके बाबत सारी हमने आपको बताया। हमारे और भी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आइंदा मुस्तकबिल में भी आपको हम अच्छी वीडियोज़ पहुँचा सकें। आपकी बड़ी मेहरबानी।